दिन में पूरी टीम का टर्न अराउंड होना संभव है? क्या आप इस राज को जानना चाहते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव मेहरा और आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे योर सीक्रेट अपलाइन, जिसमें लेके आते हैं हम हर हफ्ते कोई ना कोई नए टॉपिक के ऊपर एक नया वीडियो। और आज का टॉपिक, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपकी टीम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, या ये कहूं कि कितनी ही बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो, अगर आप चाहें तो मात्र 90 दिन में, जी हाँ 90 डेज के अंदर अपनी टीम को रिवाइव कर सकते हैं और एक नई ऊंचाइयों पे अपनी टीम को पहुंचा सकते हैं। अगर आप भी इसका तरीका जानना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को ध्यान से सुनिए। सबसे पहला स्टेप 90 डेज गेम प्लान के अंदर होता है कि पहले तो आप बिलीव करिए, आप इस बात पे विश्वास करिए कि 90 दिन के अंदर चीजें बिल्कुल बदल सकती हैं। और ये एक्चुअली में संभव है। प्रैक्टिकली अगर आपको बताऊं तो जितने भी लोगों ने अपने जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ बड़ा किया, कोई उनके लाइफ का 90 दिन का पीरियड था जिसके अंदर उन्होंने युद्ध स्तर के ऊपर काम किया। तो ये 90 दिन पर्याप्त है आपकी किसी भी परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए। जैसे प्लेन में आपने देखा होगा कि प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए बहुत ज्यादा स्पीड और बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, बट एक बार प्लेन टेक ऑफ कर जाए तो उसके बाद हवा में उसको उतनी ज्यादा फ्यूल या उतनी ज्यादा एनर्जी की या स्पीड की जरूरत नहीं पड़ती। उसी प्रकार इस बिजनेस में भी सबसे मुश्किल है ग्राउंड से टेक ऑफ करना। ये 90 दिन आपके बिजनेस को टेक ऑफ करा देगा। और एक बार बिजनेस टेक ऑफ हो गया तो फिर आप बहुत आसानी से अपने बिजनेस को जो है आने वाले टाइम में मैनेज कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर वन, आप विश्वास रखिए कि 90 दिन में सारी चीजें बदल सकती हैं। स्टेप नंबर टू, याद रखिए अगर आप 90 दिन में सब कुछ बदलना चाहते हैं तो आपको कुछ लोगों को अपनी टीम में चुनना पड़ेगा। और मेरी रिकमेंडेशन है आप ऐसे 5 लोगों को अपनी टीम में चुनिए। ये भूल जाइए कि उस व्यक्ति की रैंक क्या है या उस व्यक्ति का स्टेटस आपकी टीम में क्या है। केवल उसमें 2 क्वालिटीज देखिएगा। पहली क्वालिटी, क्या उस व्यक्ति में भूख है, क्या उस व्यक्ति के अंदर हंगर है आगे बढ़ने की, ये पहली क्वालिटी है। और दूसरी क्वालिटी, क्या उस व्यक्ति का, उस टीम मेंबर का आपकी तरफ सरेंडर, आपकी तरफ जो समर्पण है वो संपूर्ण है कि नहीं। याद रखिए अगर 5 लाइक माइंडेड एक जैसे सोचने वाले लोग मिल जाएं तो दुनिया बदल सकते हैं। तो अगर आप अपनी टीम में चुनाव कर सकें तो एक लिस्ट बनाइए अपनी टीम में एक्टिव लोगों की और उनमें से अपने 5 रत्नों को चुनिए जो लोगों की भूख है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी भी कारणवश वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन कम से कम वो बढ़ना तो चाहते हैं। और दूसरा, आपकी तरफ उनका जो समर्पण है, जो सरेंडर है, वो कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे 5 लोगों को चुनिए। स्टेप नंबर 3, आप 5 और आप 6, आप सब लोग मिलके बैठिए और एक डेट निर्धारित करिए 90 दिन के बाद, जिस पर्टिकुलर डेट के ऊपर आप कोई ना कोई मेगा सेलिब्रेशन या कोई ना कोई मेगा फंक्शन करेंगे उन सारे टारगेट्स को अचीव करने की वजह से जो आप अगले 90 दिन में करना चाहते हैं। इसको कहते हैं रिवर्स प्लानिंग। तो आज से 90 दिन, 95 दिन, 100 दिन, जो भी डेट आपको सूट करे, सबसे पहले रिवर्स प्लानिंग के अंदर जो लास्ट अंतिम डेट है उसको निर्धारित करिए कि यहाँ पे हमारी जो कंक्लूडिंग सेरेमनी है, जो हमारा ग्रैंड फिनाले है, वो होगा। दिस इज स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4, जब आपने उस अंतिम डेट को और एक गोल को निर्धारित कर लिया कि भाई ये चीज हम अचीव करेंगे और इस पर्टिकुलर डेट को हम सेलिब्रेट करेंगे या इस पर्टिकुलर डेट को हम एक बड़ा फंक्शन करेंगे जिसमें इन सारी अचीवमेंट्स को, इन गोल की जो भी पूर्ति होगी उनको हम वहां पे सेलिब्रेट करेंगे, तो उस गोल के चुनाव के बाद जो नंबर 4th चीज आपको करनी चाहिए, आपको इन 90 दिन को 30-30 डेज में तोड़ देना चाहिए। मतलब अब आप ये सोचिए, अगर 90वें दिन यहां पहुंचना है तो 60th डे पे आपका गोल क्या अचीव होना चाहिए, और 60th डे पे अगर आपको यहां पहुंचना है तो आज से 30th डे पे आपको उस गोल का कितना पोर्शन जो है वो अचीव कर लेना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप ये कहते हैं कि मुझे 90 पे पहुंचना है 90th डे में, तो आपको तोड़ना कैसे पड़ेगा कि मे बी जो 60th डे है मुझे वहां पे 60th पे पहुंचना चाहिए और जो 30th डे है मेरा कम से कम
33% या 30 टारगेट जो है वो 30वें दिन में अचीव हो जाना चाहिए। तो आपने उसको ब्रेक डाउन कर लिया। अगला स्टेप क्या रहेगा कि अब आपने जब 30 दिन के बाद जो गोल आप बनाना चाहते हो, उस 30 दिन के गोल के बाद आपको अगले 15 दिन के जो एक्शंस हैं, रिपीट कर रहा हूं, अगले 15 दिन के जो एक्शंस हैं उसमें उस रिजल्ट को, उस गोल को डीकोड कर लेना चाहिए। आप भी जानते हैं कि एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमारे हाथ में रिजल्ट्स नहीं है, हमारे हाथ में तो एक्शंस हैं, और रिजल्ट एक्शंस के ही आते हैं, प्लानिंग के नहीं। तो सपोज करिए आपने कोई पर्टिकुलर गोल बनाया कि 30 दिन में हम ये गोल अचीव करेंगे, और उस गोल को अचीव करने के लिए अगले 15 दिन में आपको क्या क्या एक्शंस लेने हैं, आप 6 के 6 लोगों को इंक्लूडिंग यू, आपको क्या क्या एक्शंस लेने हैं, आपको वो लिख लेने चाहिए। सपोज आपके प्लान प्रेजेंटेशंस हैं, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशंस हैं, तो उसका कितना नंबर आपको प्रेजेंटेशंस का करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपका ये गोल अचीव करेंगे, वो आपको पेपर पेन के ऊपर डिसाइड करना चाहिए और अगले 15 दिन का एक्शन प्लान बना के उठना चाहिए। अगला स्टेप, आपको हर 15वें दिन इस तरीके की काउंसलिंग या इस तरीके की मीटिंग को करना चाहिए। तो अगले 90 दिन में होगा क्या, आप हर 15 दिन में मिलेंगे, पिछले 15 दिन के एक्शंस को डिस्कस करेंगे और अगले 15 दिन के एक्शंस के बारे में आप डिसाइड करेंगे। तो रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले 90 दिन में चीजें बदल सकती हैं, इस पे बिलीव करिए, बहुत से लोगों की बदल चुकी हैं। नंबर 2, 5 लोगों को चुनिए जिनका सरेंडर और हंगर दोनों ही बिल्कुल भरपूर मात्रा में हो। नंबर 3, उन 5 लोगों के साथ बैठ के 90 दिन के बाद जो आप गोल अचीव करना चाहते हैं वो, और कौन सी डेट को इस गोल की अचीवमेंट की सेलिब्रेशन फंक्शन करना चाहते हैं वो, ये दोनों चीजें आप डिसाइड करिए। नंबर 4 के ऊपर 90 दिन को 30-30 डेज में तोड़ के आज से 30th डे पे आपको कौन सा गोल अचीव करना चाहिए ताकि वो 90वां दिन वाला गोल अचीव हो जाए, उसको डिसाइड करना नहीं है। नंबर 5, आपको बैठ के अगले 15 दिन में आपको क्या एक्शंस लेने चाहिए उसका डिसीजन आपको लेना चाहिए। और नंबर 6 पे आपको हर 15वें दिन मॉनिटरिंग करके उस पर्टिकुलर 15 दिन का रिव्यू करना चाहिए और आने वाले 15 दिन के फिर से एक्शंस को नोट डाउन करना चाहिए। और 7वां और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब ये गोल अचीव हो जाए, मेगा सेलिब्रेशन का फंक्शन हो जाए, तो आपके 6 के 6 को आपको पार्टी करनी चाहिए, एक यू नो लाइक सक्सेस पार्टी करनी चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, चाहे तो कहीं घूम के आइए, क्योंकि जब तक नेटवर्क मार्केटिंग में फन नहीं रहेगा तब तक ये काम करने में आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप 90 दिन में कोई गोल अचीव करके सारे के सारे 6 के 6 पिलर्स घूमने जाएंगे या कोई भी तरीका सेलिब्रेट करने का अपनाएंगे, उस दिन आपकी जो एनर्जी होगी, उस दिन जो आपका मोटिवेशन लेवल होगा वो परवान चढ़ रहा होगा, और उस दिन वादा करता हूँ आपको ऐसा लगेगा कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।